नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुपेश मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी फैक्ट इंडिया। सियासत में कई मशहूर जोड़ियां रही हैं, जो दलों में नहीं बल्कि दिलों में राज करती रही हैं। उन्हें में से एक जोड़ी है सूबे के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और मध्य प्रदेश के कद्दावर भाजपाई नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की। और इन दोनों की जोड़ी इस वक्त चर्चा में इसलिए है क्योंकि एक बार फिर से सचिन पायलट ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से अपना वर्षों पुराना याराना निभाया है। क्या है पूरा मामला और कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया से सचिन पायलट ने अपनी यारी निभाई है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कांग्रेस का कुनबा छोड़कर हाल ही में बीजेपी के सियासी राजमार्ग में गए ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का याराना किसी से छिपा नहीं है। और ये याराना महज कुछ दिनों का नहीं बल्कि वर्षों पुराना है। कांग्रेस छोड़ने से पहले भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सचिन पायलट से मुलाकात की थी, लेकिन इन्हीं सबके बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया और पायलट का याराना एक बार फिर सियासी गलियारे में सुर्खियों में है। वजह है कि इस संकट के दौर में ज्योतिरादित्य सिंधिया को राजस्थान में एक काम पड़ा तो उन्होंने फौरन अपने अजीज मित्र पायलट को याद किया। और खास बात यह रही कि पायलट ने भी अपना वर्षों पुराना याराना बखूबी निभाया। अब आइए रूबरू कराते हैं पूरे मामलात से। दरअसल मध्य प्रदेश के गुना के रहने वाले आशीष जैन नाम के एक शख्स ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मदद मांगी थी। आशीष ने ट्वीट कर ज्योतिरादित्य सिंधिया को लिखा था कि मेरी बेटी कोटा में फंसी हुई है, वह वहां पढ़ाई के लिए गई है, वहां हॉस्टल में रहती है और अच्छा महसूस नहीं कर रही, उसे गुना स्थित घर लाने के लिए आपकी मदद की दरकार है। आशीष जैन ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से यह मदद 17 अप्रैल को मांगी थी। आपको बता दें कि गुना ज्योतिरादित्य सिंधिया का संसदीय क्षेत्र रहा है, वहीं से वह चुनाव लड़ते रहे हैं। आशीष जैन के ट्वीट पर सिंधिया ने 18 अप्रैल को जवाब देते हुए लिखा कि आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, अपना इनबॉक्स चेक कीजिए, आपकी डिटेल की जरूरत है। आशीष ने उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को डिटेल भेजा। आशीष द्वारा डिटेल भेजे जाने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से बात की। उसके बाद उन्होंने आशीष को रिप्लाई करते हुए लिखा, प्रिय आशीष, आपसे दूरभाष पर चर्चा के अनुसार मेरी राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से आपकी बिटिया अंशिका की सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई है। कृपया आप आश्वस्त रहें कि आपकी बेटी की उचित देखभाल की जाएगी और शीघ्र ही उसकी घर वापसी की कोशिश की जा रही है। गौरतलब है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट के बीच हमेशा से ही अच्छी ट्यूनिंग रही है। दोनों केंद्र में साथ साथ मंत्री भी रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने पर सचिन पायलट ने यह भी कहा था कि सिंधिया का इस तरह से पार्टी से जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, इन चीजों को पार्टी में मिलजुल कर हल किया जा सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।